हेलो भाई लोगो, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व बेसिक प्रोपोजिशनलिटी थ्योरम व्हिच इज आल्सो नोन एज थेल्स थ्योरम। एंड थेल्स थ्योरम यहाँ पे कहती क्या है, अगर सपोज करो ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, इसमें डी पैरेलल टू बी सी है। तो अगर किसी भी ट्राइंगल में एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल में है तो उस ट्राइंगल की जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी, ये जो पिंक कलर से मार्क कर रहा हूँ, इन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। मीन्स कहना क्या चाहता है ये, इफ DE पैरेलल टू BC है देन बाय BPT होगा क्या, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC होगा। ये तो कहती है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है, बट कहने से काम तो चलेगा नहीं क्योंकि हमें मैथ्स में सब चीज प्रूव करके दिखानी पड़ती है। तो अब हम इससे को प्रूव करके देखते हैं कि होगा कैसे। तो टू प्रूव में सबसे पहले इसे मिटा देते हैं एंड टू प्रूफ में हम लिख लेते हैं, क्या लिखना है हमें टू प्रूफ, क्या करना पड़ेगा हमें, AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC, ठीक है, ये प्रूफ करना है, AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC, क्योंकि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यही कहती है। एंड गिवन हमें हमें क्या दे रखा है, गिवन में दे रखा है हमको DE पैरेलल टू BC, ठीक है ना। तो प्रूफ करने के लिए हमें सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, ट्रायंगल। ये तो ट्रायंगल बना हुआ है तो एक अलग से बना के देख लेते हैं जिससे फिगर आउट करना इजी हो जाएगा। ठीक है, इसको नेमिंग कर लेते हैं वापस से, ए बी सी। नाउ अब क्या करेंगे, पैरेलल लाइन भी हमें बनानी है तो ये डी ई हो जाएगा हमारा। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज कंस्ट्रक्शन। देखो ट्राइंगल्स या ज्योमेट्री में कंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एंड जो भी कंस्ट्रक्ट कर रहे हो उसे स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में जरूर लिखना क्योंकि इसके भी मार्क्स होते हैं, ठीक है, एंड ये मार्क्स गेनिंग थ्योरम है तो इसको अच्छे से करना है। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, परपेंडिकुलर बनाना है, दैट इज एक डी एन परपेंडिकुलर ऑन ए सी एंड ई एम परपेंडिकुलर ऑन ए बी। ये एक परपेंडिकुलर ये हुआ, एक परपेंडिकुलर ये हुआ, तो ड्रॉ डी एन परपेंडिकुलर ऑन ए सी, इसको ले लो फर्स्ट। सेकेंड पॉइंट हो जाएगा हमारा ई एम परपेंडिकुलर ऑन AB, ठीक है, ये तो हमारा एक फर्स्ट स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन हो गया। सेकंड अब हमें करना क्या है, जॉइन BE एंड DC, थर्ड स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन हो जाएगा जॉइन BE एंड DC, ठीक है, ये हो गया हमारे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। नाउ अब हम प्रूव कैसे करेंगे, प्रूव करने के लिए एक सबसे सिंपल स्टेप देख लो, करना क्या है हमें बेसिकली, पहले देखो ये ट्राइंगल ये बनता है ए डी ई, और एक ट्राइंगल आपका यहां पे ही आ जाएगा बी डी ई, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट द एरिया ऑफ ए डी, तो एरिया ऑफ ए डी ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ बेस इनटू हाइट। तो यहां पे देखो इस केस में बेस क्या होगा हमारा, ये तो ये AD है, ये हमारा क्या हो जाएगा बेस, तो हाफ बेस AD इनटू हाइट क्या हो जाएगी, हमने AD AB पे परपेंडिकुलर डाला था ME, ठीक है, तो ये ME इसकी हाइट हो जाएगी, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। सिमिलरली एरिया ऑफ BDE निकालेंगे हम, एरिया ऑफ BD इक्वल टू हाफ बेस BDE के केस में बेस हमारे पास क्या हो जाएगा BD, एंड हाइट हो जाएगी हमारे पास अगेन ME, बिकॉज यहाँ पे कोई 90 डिग्री तो था नहीं, तो जो भाग निकल के 90 डिग्री बना है तो वो हमारी हाइट हो जाएगी, दिस इज इक्वेशन सेट, ठीक है। नाउ व्हेन वी डिवाइड या व्हेन वी फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ AD अपॉन BD, इट विल कम आउट लाइक एरिया ऑफ AD इक्वल्स टू 1/2 इंटू AD अपॉन ME, AD इंटू ME, एंड एरिया ऑफ BDE
it will come out upon area of BDE that is equals to upon 1 by 2 into BD into ME. तो ME से ME कट हो गया, हाफ से हाफ कट हो गया, दैट इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास AD अपॉन BD. इट इंप्लाइज एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BDE, ये क्या आ जाएगा हमारे पास AD अपॉन BD. दिस इज इक्वेशन थर्ड, इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं. तो यहां तक सबको समझ में आ गया होगा कि एरिया ऑफ AD अपॉन BD हमारे पास क्या आ गया, AD अपॉन BD. दैट मींस एक तरफ का जो हमें रेशियो निकालना था, ये वाला रेशियो, ये हमारा निकल चुका है. अब हमें क्या निकालना है, दूसरी तरफ का रेशियो, यानी कि ये वाला रेशियो. तो जब हमें ये वाला रेशियो निकालना होगा तो हमें दूसरी तरफ का निकालना, दूसरी तरफ की ही साइड लेनी पड़ेगी. तो वो कैसे लेंगे वो भी हम देखते हैं. चलिए थोड़ा आगे आ जाते हैं. अगेन दूसरी साइड का जब हमें निकालना है तो हम फिर से एक ट्राइंगल बना लेते हैं, कंस्ट्रक्ट कर लेंगे एक और ट्राइंगल, कितने भी कर लो उसमें दिक्कत ही क्या है. ओके अगेन सेम ए बी सी, हमने क्या करा था, डी पैरेलल बनाया था बी सी के, और एक हमने परपेंडिकुलर डाला था डी एन, और एक डाला था ई एम. और फिर बाद में हमने क्या करा था, ज्वाइन किया था किसको, बी और डी सी को ना. बट अब हमें इसमें चेंज क्या करना है, उसमें हमने क्या करा था, ईडी लिया था, यहाँ पे भी ईडी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें. लेकिन नीचे जहां पे हमने वहां पे बी डी ई लिया था, उसके बदले में नीचे हम क्या लेंगे, दूसरा वाला ट्राइंगल, दैट इज डी ई सी. ठीक है, ये मार्क कर रखा है. तो अगेन एरिया ऑफ एडी फाइंड आउट करेंगे पहले, दैट इज इक्वल टू हमारा हाफ बेस इनटू हाइट. बेस अब जब हम दूसरी साइड में जा रहे हैं तो हमारी बेस क्या हो जाएगी इस साइड में ए ई, और हाइट क्या हो जाएगा जो हमने परपेंडिकुलर बनाया था, कौन सा, ई एम, ई एम ये वाला परपेंडिकुलर. ठीक है, तो ये ए ई इंटू ई एम. एंड वेन वी फाइंड आउट एरिया ऑफ DEC, it will come out half. Again, basis में क्या हो जाएगा EC, और height हमारी क्या हो जाएगी same EM. इसको हमने third लिया था ऊपर वाली equation को, ये fourth हो जाएगी हमारी, and this one will be fifth. अब क्या करना है हमें, again ratio निकालना है. Area of ADE upon area of DEC is equals to half AE into EM upon half EC into EM. Again EM even cut, half of cut. It implies area of ADE upon area of DEC is equal to AE upon EC. This is equation sixth. अब ये देखो हमारे पास AD upon BD भी आ चुका है, AE upon EC भी आ चुका है. बट ध्यान रखने वाली बात क्या है, ये अभी आपस में इक्वल नहीं है. अगर हम ऊपर वाले की न्यूमरेटर की बात करें, न्यूमरेटर में हमारे पास AD एंड ADE आ रहा है, बट डिनोमिनेटर में ये देख रहे हो यहाँ पे BDE है और यहाँ पे DEC है. तो हमें इन दोनों को, इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन सिक्स को आपस में इक्वल करने के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक एरिया ऑफ BDE एंड एरिया ऑफ DEC इक्वल. उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ ध्यान से जरा, दैट DEB यानी कि ये वाला ट्राइंगल and DEC यानी कि ये वाला ट्राइंगल, दे आर ऑन द सेम बेस DE एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन DE एंड BC. एंड ये थोड़ा हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ी थी, इवन टू ट्राइंगल्स आर ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस देन देयर एरियाज आर इक्वल. तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखनी पड़ेगी आपको, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू प्रूव दिस थ्योरम करेक्ट, दैट ट्राइंगल BDE and triangle DEC are
ऑन सेम बेस, दैट इज बेस क्या है हमारा सेम डी एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, सेम पैरेलल लाइंस, दैट इज कौन कौन सी हमारी पैरेलल लाइंस डी एंड BC. तो इट इंप्लाइज एरिया ऑफ BD इज इक्वल टू एरिया ऑफ DEC. ठीक है, इसको इक्वेशन को ले लो सेवेंथ. तो फ्रॉम थर्ड इक्वेशन, फ्रॉम सिक्स्थ इक्वेशन एंड फ्रॉम सेवेंथ इक्वेशन इट इज क्लियरली ऑब्जर्व दैट एरिया ऑफ AD अपॉन BD इक्वल टू एरिया ऑफ AD अपॉन DEC इक्वल टू AB अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC. तो बस आपको लिखना क्या है हमें, फ्रॉम थर्ड सिक्स्थ एंड सेवेंथ एडी अपॉन डीबी इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी विच इज योर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. ठीक है, हेंस प्रूवन. तो देखो ये बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है मैथमेटिक्स की, एंड ड्यू टू सिलेबस रिड्यूस हुआ है इस बार तो चांसेस ऑफ कमिंग दिस थ्योरम इन एग्जामिनेशन काफी ज्यादा हाई है. तो इसको आपको अच्छे से करनी है. ठीक है, तो अच्छे से कर लो. दोबारा से एक बार समझ लेते हैं इसको, अगर जिसके समझ में नहीं आया हो कि थ्योरम हमारी क्या कह रही है. थ्योरम हमारी ये कह रही है कि अगर किसी ट्राइंगल में डी पैरेलल टू बी सी है तो पैरेलल लाइंस ट्राइंगल को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेंगे. उसके लिए हमें करना है क्या है, पहले ट्राइंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, कंस्ट्रक्शन करा है. ठीक है, कंस्ट्रक्शन पहले ड्रॉ डी एन परपेंडिकुलर ऑन ए सी, ई एम परपेंडिकुलर ऑन ए बी, फिर जॉइंट बी ई एंड डी सी. ठीक है, फिर हमने ए डी और बी डी का एरिया निकाला, उसको रेशियो में निकाला, वहां से हमारा ए डी अपॉन बी डी आ गया. देन फिर हमने दूसरे वाले पार्ट का रेशियो निकाला, दैट इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी ई सी का रेशियो निकाला जो निकल के आया ए ई अपॉन ई सी, एंड एरिया ऑफ AD, BD एंड DEC हमने इक्वल कर दिया, जिसकी वजह से हमारा AD अपॉन DB इक्वल टू EE अपॉन EC आता है. ठीक है, चलो.